बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। जान से मारने की नीयत से फायर करने वाले आरोपी में अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार। बुलंदशहर शिकारपुर दिनांक 3 अगस्त 22 को कमरुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद नीमो चौक चैनपुरा थाना शिकारपुर पर अभियुक्त गन द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर करने के संबंध में शिकारपुर कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर पंकज पुत्र रजनेश उर्फ राजू निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़, अपन पुत्र कृष्णवीर निवासी मामऊ थाना अहमदगढ़, जैकी पुत्र बाबू निवासी मामऊ थाना अहमदगढ़ पंजीकृत कराया था। अभियुक्त पंकज पुत्र रजनेश निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़ को घटना में प्रयुक्त एक अदद देशी तमंचा, अवैध 315 बोर में दो जिंदा कारतूस, 315 बोर व अपन पुत्र कृष्णवीर निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़ को एक अवैध चाकू के साथ एसएसपी एसपी देहात सीओ के कुशल निर्देशन में रात्रि गश्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के दौरान कोतवाल कामेश कुमार, एसआई सतपाल सिंह, कपिल चौधरी, शिवा कुलदीप चौधरी, मय जीप सरकारी यूपी 23AG0232 के चालक विपिन कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त गण डॉक्टर पंकज पुत्र रजनेश उर्फ राजू निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़, अपन पुत्र कृष्णवीर निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़ से पूछताछ के बाद सौरभ उर्फ पुनित शर्मा, पुत्र भूरा शर्मा निवासी ग्राम मामऊ थाना अहमदगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष, रवि पुत्र कालीचरण निवासी उपरोक्त उम्र करीब 28 वर्ष के नाम प्रकाश में आए सौरभ व रवि उपरोक्त को जहांगीराबाद चुंगी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण ने पूछताछ में बताया कि कमरुद्दीन व पंकज उपरोक्त की पुरानी रंजिश थी, जिस कारण पंकज उपरोक्त ने कमरुद्दीन को जान से मारने की नीयत से फायर किया था। अभी को न्यायालय में पेश किया गया है। द्वारा हत्या के प्रयास करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका क्या पूरा नाम? 2-8 को ये कमरुद्दीन है, ये झोला छाप डॉक्टर है, मामाऊ अहमदगढ़ के रहने वाले हैं। ये घर से निकलते हैं अहमदगढ़ से शिकारपुर के लिए, रास्ते में शिकारपुर पहुंचने से पहले बंबी है उसी के पास जो है, ये चार लोग हैं अपन पंकज सौरभ और रवि, ये लोग रास्ते में ही रैकी किए रहते हैं और इन पे हमला करते हैं, फायर करते हैं, उसको गोली लगती है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर ये जो पंकज हैं ये भी झोला छाप डॉक्टर हैं जिन्होंने गोली चलाई। आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण और कुछ अपनी इनकी रंजिश थी और ये सोच थी कि अगर कमरुद्दीन की डेथ हो जाती तो हम यहाँ मामाऊ में अकेले डॉक्टर झोला छाप हो जाएंगे, हमारी क्लिनिक अच्छी चलेगी, इसी लालच में इन्होंने अपने इन तीन साथियों को और शामिल किया और उस पर गोली चलाई और वो सौभाग्य से वो बच गया और उसने एफआईआर कराया और इनकी चारों की गिरफ्तारी हुई। इनके साथ में एक 315 बोर का तमंचा, एक नाजायज चाकू और घटना के समय प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। नहीं, अभी ये नए लड़के हैं, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है। ये जो पंकज है झोला छाप डॉक्टर, इन्हीं ने और तीनों को गुमराह करके लालच दे करके अब इस घटना में शामिल कर लिया।